हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 26 मीडियल सेमी सर्कल। इसमें आप सीखेंगे कि अगर वर्ड के मिडल में हमें सेमी सर्कल यूज करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। आप सेमी सर्कल पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफ्थोंग्स में पढ़ चुके हैं और एब्रीविएटेड डब्ल्यू में पढ़ चुके हैं। आज हम पहले एब्रीविएटेड डब्ल्यू को रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे वाले रूल समझेंगे। तो एब्रीविएटेड डब्ल्यू में क्या होता था, अगर किसी स्ट्रोक से पहले, कौन से स्ट्रोक से पहले, के गे एम डाउनवर्ड या अपवर्ड आर से पहले डब्ल्यू की साउंड आती थी इनिशियली वर्ड में, तो वहां पर सेमी सर्कल यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको रिकैप करते हैं हम पहले, फिर आगे चलेंगे। जैसे वर्ड है वेक, देखिए स्टार्टिंग में डब्ल्यू साउंड आ रही थी, हमने सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद वॉवल जो भी है वो प्लेस कर देंगे। इसी तरह से विग में वुमेन, बायर एंड वोर, इस तरह से आउटलाइन बनती है। आज हम सीखेंगे लेफ्ट और राइट सेमी सर्कल। पहले लेफ्ट सेमी सर्कल से शुरू करते हैं, जिसके लिए ये वाला सिंबल बनता है, लेफ्ट की साइड बनता है ये सेमी सर्कल। टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ, अगर डब्ल्यू के बाद हमें आ की साउंड सुनाई देती है डार्क डॉट की, या फिर एक ही साउंड सुनाई देती है लाइट साउंड जैसे कि पैन टेन, एक ही हैवी साउंड सुनाई देती है जैसे कि पे, ई की लाइट साउंड सुनाई देती है जैसे कि पेन टेन, ई की हैवी साउंड सुनाई देती है जैसे कि टी, आई की लाइट साउंड सुनाई देती है जैसे कि पिन टिन, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट साउंड्स, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट साउंड सुनाई देती है हमें वॉवल साउंड W के बाद, तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, सो दैट आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट वर्ड है देखिए ईयर वैक्स, तो हम ईयर वैक्स में क्या करेंगे, ईयर एक्स लिखेंगे। पहले तो आउटलाइन बना लेते हैं। अब जहां पर ए का वॉवल लगना था के से पहले, वहां पर हम ये वाला अगर सिंबल लगा देंगे तो ये एक्स की जगह बन जाएगा वैक्स। अब जैसे वर्ड है एसवेज, पहले आउटलाइन बनाई हमने, एसवेज बोला जाता है, निबल्स को दोबारा बना लेते हैं। देखिए जहां पर भी सेकंड प्लेस पर ए का वॉवल लगना था इसके बाद, वहां पर इसको लगा दिया तो ये बन गया वेज, एस वेज। अब जैसे वर्ड है हार्डवेयर, पहले तो आउटलाइन बनाएंगे। अब ईयर जैसे बोल रहे हैं हम, ए के वॉवल की जगह अगर हम ये वाला सिंबल लगा दें तो ईयर की जगह ये बन जाएगा वेयर, हार्डवेयर। अब देखिए अगर टी के बाद नेक्स्ट वर्ड जैसे 12 है, इसमें टी के बाद इमीडिएटली बार डब्ल्यू आ रहा है, हम W के बाद देखेंगे कौन सा वॉवल है। सेकंड प्लेस का वॉवल अगर है तो आउटलाइन जो है वो ऑन द लाइन बनेगी, पहले तो इसके लिए आउटलाइन बना लेते हैं। देखिए T के बाद A की साउंड आ रही है लाइट, वहां पर हम ये वाला सिंबल अगर लगा देते हैं सेमी सर्कल तो ये बन जाएगा 12। अब ये आउटलाइन बन जाएगी 12, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है 20, इसमें भी W के बाद सेकेंड प्लेस का वॉवल है तो हम पहले तो आउटलाइन बना लेंगे। टी के बाद जहां पर भी वॉवल लगना था वहां पर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे तो बन जाएगा ट्वेन टी, ट्वे पढ़ा जाएगा, देखिए ट्वेन टी। अब जैसे वर्ड है नेक्स्ट फेयरवेल, हम लिखेंगे फेयर एल। अब जहां पर भी एल से पहले वॉवल लगना था वहां पर हम इसको लगा देंगे तो बन जाएगा फेयर वेल। अब जैसे वर्ड है ओवरवेलमिंग, देखिए ओवर के लिए सिंबल बनता है ये वाला, ओवर के लिए ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमने लिखा एलमिंग, अब एल से पहले जहां पर वॉवल लगना था वहां पर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे तो एल की जगह बन जाएगा वेल, ये बन जाएगा ओवर वेल में। ऐसे ही रिजर्वायर वर्ड है, जैसे पहले आउटलाइन बना लेते हैं, देखिए इस तरह से, इसमें हम वी भी लगाएंगे स्ट्रोक,
रिजर्वॉयर, यहां पर वी पर थोड़ा सा जोर से बोला जाता है रिजर्वॉयर, इसलिए हम वी के साथ ये वाला सिंबल लगाते हैं, ये पढ़ा जाता है रिजर्वॉयर। अ का वॉवल जहां पर लगना था वहां पर हमने ये वाला सिंबल लगा दिया। अब नेक्स्ट ऐसे वर्ड है फ्रीक्वेंटली, पहले आउटलाइन बना लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंटली में के बाद सेकेंड प्लेस वॉवल की साउंड आ रही है एंटली, हम वहीं पर जहां पर भी वॉवल लगना है वहां पर ये वाला सिंबल लगा देंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंटली इस तरह से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे वर्ड है सबसिक्वेंट, ये भी उसी तरह बनेगी आउटलाइन, देखिए इस तरह से। सबसिक्वेंट में भी क्वेंट के बाद डब्ल्यू साउंड आ रही है सेकंड प्लेस पर, तो ये ऐसे बन जाएगी आउटलाइन। अब नेक्स्ट है सीवीड, इसमें भी थर्ड प्लेस पर हम ई के वॉवल की जगह अगर इसको लगा देंगे तो ईड की जगह ये पढ़ा जाएगा वीड, सी वीड। अब जैसे वर्ड है सैंडविच, इस तरह से लिखा जाता है। इच जैसे वह है, वहां पर हमने थर्ड प्लेस पर अगर इसको लगा दिया इच की जगह ये बन गया विच, सैंडविच। देखिए इस तरह लिखा जाएगा। वर्ड है ड्विंडल, ड्विंडल कैसे लिखेंगे देखिए, थर्ड प्लेस पर जहां पर वॉवल लगना था इन इन पर, वहां पर हमने इन की जगह अगर ये लगा दिया सिंबल तो बन गया विन, ड्विन डल। अब जैसे वेयर विद वर्ड है, इस तरह आउटलाइन बनाएंगे पहले। इद जैसे इद पढ़ा जाता है, तो इसके आगे हमने थर्ड प्लेस पर अगर ये लगा दिया तो बन जाएगा विद, वेयर विद। इसी तरह से ट्विग, इग जहां पर बोला जाएगा वहीं पर अगर ये वाला सिंबल लग जाएगा तो इग की जगह बोला जाएगा विग, ट्विग। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, होपफुली सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आप मैक्सिमम आउटलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है ये, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। देखिए ये राइट सेमी सर्कल क्या होता है, राइट सेमी सर्कल इस तरह से बनेगा। टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ, अगर W के बाद O की साउंड आती है डैश वॉवल की, O की साउंड आती है लाइट जैसे कि पॉट नॉट, O की हैवी साउंड आती है जैसे कि फोन टोन, U की लाइट साउंड आती है जैसे कि कब टब, U की हैवी साउंड आती है जैसे कि वूल, अगर U की लाइट साउंड आती है जैसे कि वुड। अगर डैश वावल ये सब W के बाद हमें साउंड आती है इसकी, या फिर इससे रिलेटेड कोई लाइट साउंड हमें सुनाई देती है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वर्ड है रोप फॉग, ये भी वैसे लिखा जाएगा। देखिए हम इसमें रोप ऑक लिखेंगे और ओ का वावल जहां लगना है वहां पर ये वाला सिंबल लगा देंगे तो बन जाएगा रोप फॉग। ऐसे स्लीप वॉकर, देखिए स्लीप यहां पर हमने लगा दिया तो ऑकर की जगह बन गया वॉकर। सीवीड, सॉरी ये वर्ड है सी वॉर्ड, इस तरह से। ऑड की जगह हमने अगर ये वाला सिंबल लगा दिया तो बन जाएगा वॉर्ड, सी वॉर्ड। ओ की जगह हमने ये वाला लगा दिया फर्स्ट प्लेस पर। ऐसे ही वर्ड है कॉर्नवॉल, देखिए ऐसे बनती है आउटलाइन। ऑल की जगह ये वाला सिंबल लग गया तो बन गया वॉल। अब है लाइम वाटर, ऑटर पढ़ा जाता है जहां पर, वहां पर हमने ये सिंबल लगा दिया तो बन गया वाटर, ओ की प्लेस पर हमने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट है बैक वाटर, ये भी उसी तरह फर्स्ट प्लेस पर हम इसको लगा देंगे सिंबल को तो ये बन जाएगा वाटर, वाटर की जगह।
अब जैसे बुक वॉर्म है, ओम, ओ की जगह हमने ये वाला सिंबल लगा दिया, बन गया वॉर्म। अब है रिंग वॉर्म, यहां पर भी हमने ओ की जगह इसको लगा दिया सेमी सर्कल को, तो बन गया वॉर्म। मिस कोट, यहां पर भी ये वाला सिंबल लग जाएगा। ये बन जाएगा मिस कोट, ब्लेम वर्दी, अर्दी लिखेंगे हम, और अ की जगह पर ये सिंबल लगा देंगे, बन जाएगा वर्दी। अब नेक्स्ट है सी वर्दी, यहां पर भी हम अर्दी की जगह ये वाला लगा देंगे, अ की जगह ये वाला सिंबल लग गया, बन गया वर्दी। अब है समवॉट, देखिए इस तरह की आउटलाइन बनेगी इसमें। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको अच्छे से। एम को हमने हाल्फ किया टी के लिए, यहां पर लगा है डब्ल्यू के लिए सेमी सर्कल, उसके साथ हमने एक डॉट क्यों लगाया है एच के लिए। आप पहले 17 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर कहीं पर एच नहीं लग सकता तो वहां पर हम छोटा सा डॉट लगा देते हैं, सो दैट वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एच है। इसमें क्या ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले सम पढ़ेंगे, उसके बाद W पढ़ा जाएगा, उसके बाद H के लिए ये वाला डॉट पढ़ा जाएगा, वॉट, क्योंकि W के साथ H भी है, इसको हम वट नहीं पढ़ते, सम वॉट पढ़ते हैं। और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर लगा है तो A भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये बन गया सम वॉट। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है समवन, हमने आउटलाइन बनाई सम अन की, और वहां पर सेकंड प्लेस पर अगर इसको लगा दिया तो बन गया समवन। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, इसमें भी हमने यहां पर अगर अर्क, आर से पहले जो वॉवल साउंड आ रही है वहां पर हमने सेमी सर्कल लगा दिया, बन गया समवर्क। अब है वर्ड्स वर्थ, देखिए वर्ड्स, आर को डार्क किया डी के लिए, ये बन गया वर्ड। उसके बाद वर्ड्स अर्थ लिखा है हमने, जहां पर अ का वॉवल लगना था वहां पर ये सिंबल लग गया, बन गया वर्ड्स वर्थ। नेक्स्ट है ट्वीजर्स, अब देखिए डब्ल्यू के बाद थर्ड प्लेस वॉवल की साउंड आ रही है, तो ये थ्रू द लाइन बनेगी आउटलाइन थर्ड प्लेस पर, ट्वी, यहां पर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। अगर एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा ट्वीजर्स। अब नेक्स्ट है लैम्स वूल, हमने लैम्स वूल लिखा, ऊ का वॉवल जहां लगना है वहां पर ये वाला सिंबल लग गया, लैम्स वूल। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वुड, इस तरह से बनेगा ये वुड। देखिए अगर हम बोलते हैं उससे पहले डब्ल्यू आ रहा है तो हम यहां पर लगा देंगे ड्रिफ्ट वुड थर्ड प्लेस पर। अब नेक्स्ट है क्वालिटी, देखिए जो इस तरह की आउटलाइन होगी वो कैसे बनेगी इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए के पढ़ा जाएगा, उसके बाद डब्ल्यू की साउंड आ रही है, उसके बाद ए, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर ये सिंबल लगा है, तो देखिए के, फिर डब्ल्यू, फिर ए का वॉवल पढ़ा जाएगा क्वा, उसके बाद एल का हुक पढ़ा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वॉवल्स पढ़ जाएंगे क्वा, एल का हुक, फिर आई का वॉवल है, देखिए क्वा ली टी, टी के बाद भी वॉवल है, इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसी तरह से क्वालिफाई, क्वा ली फाई, होपफुली आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रीफिक्सेस,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।